अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग रुमा खान। आज मैं आप लोगों के लिए मुहर्रम स्पेशल शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आई। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 टेबल स्पून सब्ज़ा लिया है और इसे हम भिगा के रख देंगे। सब्ज़ा मतलब तुकमा लंगा इसे बोलते हैं। इसे हम थोड़ी देर भिगा देंगे, ये बहुत ही जल्दी भीग जाता है। इसे ढककर साइड में रख देंगे। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 कप के करीब पानी लिया और उसमें शक्कर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें चाशनी बना लेनी है। आप कितना शरबत बना रहे हैं वो हिसाब से इसमें शक्कर ऐड करें, 1/2 कप या 2 से 3 चम्मच जैसा भी। इसकी चाशनी बनाएंगे और बहुत ज़्यादा चाशनी को हमें पकाना भी नहीं है, बस हल्की सी बनाना है ताकि हमारी शक्कर अच्छी मेल्ट हो जाए। फिर इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर का बना रही हूँ शरबत, इसलिए मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड किया है। आप देख सकते हैं पक रहा है। इसे उतार लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। चाशनी को जब ठंडा हो जाएगी पूरी अच्छी तरीके से, तो फिर यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है। दूध ये पका हुआ दूध है, मतलब बॉयल किया हुआ दूध है। अब इसमें हम अपनी चाशनी ऐड कर देंगे, इसीलिए मैंने शक्कर को पहले मेल्ट कर लिया है। पकाने से क्या होता है, शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाती है। कलर आप अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं, जो भी पसंद हो। फिर यहाँ पे हमने जो सब्ज़ा भिगा के रखा था वो ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा आसान सा शरबत है, फटाफट बन के रेडी हो जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमें। फिर इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोज़ एसेंस ऐड कर दूँगी। आपके पास जो भी चीज़ है, केवड़ा वाटर, रोज़ एसेंस, वो ऐड कर दें, उससे खुशबू अच्छी सी आती है इसमें। फिर कटे हुए ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे, बारीक चॉप किए हुए काजू, बादाम, पिस्ता। अब इसे हम सर्व कर देते हैं। आपने देखा एकदम सिंपल सा शरबत है। अब यहाँ पे हम कस्टर्ड बादाम का शरबत बना रहे हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले 1 लीटर दूध ले लूँगी और उसे गर्म कर लेंगे। दूध को हमें इसमें बॉयल ले लेना है, इसके लिए हम फ्लेम को हाई पर रखेंगे और दूध में बॉयल आने तक की इसे पका लेंगे। ये हम कस्टर्ड बादाम का शरबत बना रहे हैं और वो हमारा सिंपल सा एकदम सिंपल रेसिपी है। दोनों ही शरबत आप फटाफट बना के रेडी कर सकते हैं। दूध में बॉयल आ गई, अब इसमें मैं शक्कर ऐड कर दूंगी। शक्कर हाँ 1 कप के करीब लिया है मैंने, क्योंकि 1 लीटर दूध है। फिर इसमें मैंने 10 से 15 बादाम थे जिसे पीस के उसका पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर दूँगी। आप बादाम के साथ काजू पिस्ता भी ले सकते हैं, उसे भी पीस सकते हैं, लेकिन हम बादाम का शरबत बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने बादाम लिया है। फिर इसमें 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर भी घोल के मैं ऐड कर दूँगी साथ में। कस्टर्ड पाउडर आप पानी में घोल सकते हैं और दूध में भी घोल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ी देर पका लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है, बस थोड़ी देर पकाना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, बस इतना ही रखना है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। इसमें थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे और इसमें मैंने इसमें भी सब्ज़ा थोड़ा भिगा के रखा था वो ऐड कर दूँगी। सब्ज़ा इसमें मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम अब ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारा कस्टर्ड बादाम शरबत बनके रेडी हो गया। एकदम सिंपल और आसान है, बनाने में बहुत ही फटाफट बन जाता है। अब इसमें कुछ आप अपने हिसाब से बर्फ़ ऐड कर सकते हैं, आइस क्यूब मैंने ऐड करी है। आप नहीं डालना चाहते तो ऐसे ही सर्व कर दें। ऊपर से ड्राई फ्रूट ऐड किया है मैंने। ये हमारा कस्टर्ड बादाम शरबत बनके रेडी है। मुहर्रम स्पेशल आप लोग भी ट्राई करके देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।